नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये मशरूम लिए हैं। मशरूम को पहले हम साफ़ करके फिर काटेंगे, तो पहले इसका ये ऊपर वाला पार्ट काट लेंगे। और इसे हम चार पार्ट में काट रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे छोटे पार्ट भी कर सकते हैं इसके। इस तरीके से काट लेंगे इसको। मशरूम पकने के बाद इनका साइज और छोटा हो जाता है, तो आप इन्हें कैसे भी काट सकते हैं, छोटे या बड़े। इस तरीके से हम सारे काट लेंगे। तो ये मैंने काट लिए हैं। मशरूम को पहले हम पानी में बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, ताकि जो उसमें मिट्टी है या गंदगी है वो निकल जाए। पानी में नमक डालेंगे, एक बारी नमक को मिक्स कर लेंगे चम्मच से। और इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। बीच में एक बार फिर से चला लेंगे इसको। तो यहाँ मेरा उबाल आ गया है, मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे छान लूंगी एक छन्नी में। छानने के बाद इसके ऊपर एक बार हम साफ पानी डालेंगे, ताकि जो ऊपर झाग वगैरह है वो निकल जाए। मशरूम को हम कुछ देर छन्नी में ही रख देंगे इस तरीके से, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए। इसमें मैंने मशरूम डाल दी है जो हमने बॉईल की थी। इसे हम तेज आंच पर 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। ये मेरे मशरूम फ्राई हो गए हैं, मैंने निकाल लूँगी एक प्लेट में। आप इन फ्राइड मशरूम्स को फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 दिन तक के लिए, अगर आप इनकी सब्जी अभी ना बनाना चाहें तो। और जो सामग्री हम लेंगे वो है धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, और कुछ सब्जियां लिए हैं हमने शिमला मिर्च, इन्हें हमने क्यूब्स में काट लिया है, 2 प्याज, इन्हें भी क्यूब्स में काट लिया है, हरी मिर्च 2 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 टमाटर, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है, और ये मशरूम। पहले हम कढ़ाई में प्याज डाल देंगे। प्याज डालने से पहले हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया था। इनको हल्का सौते करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही सौते करेंगे इसको 1/2 मिनट तक, और गैस को लो टू मीडियम हीट पर ही रखेंगे। प्याज सौते हो जाए उसमें हम लहसुन डाल देंगे। इसे भी 1/2 मिनट तक सौते करेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम हरी मिर्च और शिमला मिर्च डाल देंगे। इन्हें भी हम लो टू मीडियम हीट पर 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। और चलाते रहेंगे बीच बीच में। इसमें हम फ्राइड मशरूम डाल देंगे और इसे भी चला लेंगे एक बारी। 1/2 मिनट सौते करने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, नमक,
स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। आप लाल मिर्च कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गरम मसाला 1/4 चम्मच। इनको मिक्स कर लेंगे एक बार। ढक्कन लगाकर लो हीट पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। 7 से 8 मिनट बाद एक बार चला लेंगे इसको बीच में। एक बार चलाने के बाद इसको ढक्कन लगाकर फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो हीट पे। 5 मिनट बाद इसको एक बार चेक कर लेंगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसे परोसेंगे हम गर्मा गर्म। धनिया पत्ती से सजाएंगे। तैयार है हमारी मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।